ख़ास हस्ती मौजूद हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या ख्याल है, व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन, और जब वो बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देखते हैं एंड ही स्पीक्स टू द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, तो उनके ख्याल में ये प्रोजेक्ट किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। प्लीज यहाँ पे दावत देना चाहूंगी फॉर हिज स्पीच, मिस्टर शकील मुनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल जनाब जाहिद रफीक साहब, चेयरमैन, जनाब मलिक असलम साहब, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, मुजीब अहमद खान साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ये बड़ी खूबसूरत तकरीब सजाने पे जाहिद साहब को, इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आज अपनी फोर्थ आई थिंक बैलेटिंग करने जा रहे हैं। और जैसे अभी मुजीब साहब फरमा रहे थे कि 2018 में बिगनिंग थी और माशाल्लाह इतने कम टाइम में इतनी अचीवमेंट्स हैं, तो उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें मैं समझता हूँ कि जो सेल्स पार्टनर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है, और हमारे साथ चूँकि 5G काफ़ी इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबर्स को तो मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ माशाल्लाह से, और बिल्कुल ये बात सही है कि इस्लामाबाद चैम्बर हैविंग मोर देन 6,000 मेंबर्स, उसमें हमारे कॉर्पोरेट क्लास से भी तकरीबन 3,000 मेंबर्स हैं और एसोसिएट क्लास से भी मोर देन 3,000 मेंबर्स इस वक्त हमारे हैं। इस्लामाबाद चैम्बर तमाम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और हम तमाम यहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद चैम्बर में हर वक्त एग्जीक्यूटिव सीट के ऊपर होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट सेक्टर्स में इस्लामाबाद के डिफरेंट एरियाज़ को रिप्रेजेंट करने में हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं उनका भी रोल होता है, और हमारी कोशिश होती है कि हम बिज़नेस कम्यूनिटी के जितने इशूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकें और उनको एक सॉलिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा, बल्कि मेरी आज इस अगस्त प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पिछली गवर्नमेंट ने एक कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया था, आप भी उसके ऊपर गौर करें और एक कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो ज़रूर अनाउंस करें, जिससे इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इससे एलाइड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इससे एलाइड तकरीबन 70 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी मेरे ख़्याल से उनका पहिया भी चलता रहेगा। और इस वक्त चूँकि जो इन्फ्लेशन जो जितनी बढ़ चुकी है डॉलर की हाइप की वजह से, तो ऐसी कुछ एमनेस्टी स्कीम्स की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, और मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा और इंडस्ट्रियल पैकेज के लिए भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एमनेस्टी स्कीम्स ऐसी लाई जाएं जिससे बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो कुछ अपना उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब जा सके और बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो रोज़गार मुहैया कर सके। एक इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ 200 से 250 अफराद जुड़े होते हैं और 200 या 250 अफराद जो है उनके खानदान उसके साथ जुड़े होते हैं। तो जब मेरी हमेशा से ये
अप्रोच रही है, मेरी ये हमेशा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रही है कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानेब आप आएँ। इंडस्ट्री हम जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी हमारी, हम प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, हम ऑटोमेटिकली इंपोर्ट डिस्करेज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे और हम ये चाहें कि हम अपनी इंपोर्ट्स बंद कर देंगे और हम पाकिस्तान में जो है वो इंपोर्ट्स ना करें प्रोडक्ट्स को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी अशिया हैं कि जिसमें इंपोर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है कि जो हर लिहाज से अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा रिच है। ऑल किस्म के मेटल मिनरल्स में, ऑल किस्म के यहाँ पे आप देखें हमारे पास फ्रूट वेजिटेबल्स, हमारे पास अजनास, हम ज़रूरी तौर पर बड़े रिच हैं। हमारे पास हम अगर देखें टेक्सटाइल में हमारा बड़ा सक्सेस रेट है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट इन सेक्टर्स की तरफ तवज्जो दे, गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी को, स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेके चले, तो इंशाल्लाह मेरा ये प्यारा मुल्क जो है ये खुद कफील हो जाएगा। ये जो टेम्परेरी तौर पे एक मुल्क में थोड़ी सी कह लें कि पैनिक की सिचुएशन थी, इंशाल्लाह ये बेहतरी इसमें आना शुरू हो गई है। और आप देखेंगे आज भी डॉलर जो है वो कुछ थोड़ा सा रुपया जो है हमारा इस्तेकाम उसको मिला है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी पॉलिसीज़ को वाज़े करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और हम इस्तेकाम की जानिब बढ़ेंगे। मैं अगेन कैपिटल स्मार्ट सिटी को, जनाब जाहिद रफीक साहब को, असलम साहब को, मुजीब साहब को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ अल्लाह तबारक व ताला आपके इस कारोबार कार खैर में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। शुक्रिया जी।